हेलो फ्रेंड्स, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। ये इनिशिएटिव जो है वो एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसी नगर की तरफ से स्टार्ट किया गया है और मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा। मेरा नाम संजीव सारस्वत। हम जो पहली क्लास आज लगाएंगे वो होगी बीएससी सेकंड ईयर की। बीएससी सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इकोनॉमिक बॉटनी, उसका पहला पार्ट जो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म वो स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टिश्यू क्या होता है। देखिए, जो प्लांट बॉडी होती है, जैसे कि आपको पता है, आप सभी ने ये पढ़ रखा है कि प्लांट बॉडी जो होती है वो सेल्स की बनी होती है। प्लांट बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है और सेल्स जो है उसकी परिभाषा जो है वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पहले पढ़ रखा है कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंतर्गत आते हैं। तो हम जो है बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जो सेल्स होती है उससे मिलके क्या बने होते हैं? टिश्यू बने होते हैं। अगर हम एक प्रॉपर वे में टिश्यू का डेफिनेशन अगर आपको मैं बताऊं तो वो जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू क्या होता है। अगर हम प्रॉपर वे में टिश्यू की डेफिनेशन बताएं तो वो क्या होगी। टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल होता है और ये सेल्स जो हैं वो ओरिजिन, फंक्शन और फॉर्म में सेम होती है। अगर मैं आपको सिंपल सरल शब्दों में हिंदी में बताऊं तो टिश्यू जो है उसको हिंदी में कहते हैं ऊतक। और ऊतक जो है वो क्या होगी? एक कोशिकाओं का समूह होगा। क्या होगा? कोशिकाओं का समूह होगा। और ये समूह जो है ये कैसा होगा? पहली बात तो ये अपने उद्भव में समान होगा। उद्भव में समान मतलब जो ये कोशिकाओं का समूह है इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो एक ही कोशिका से होगी, ठीक है। और दूसरी बात, जिन कोशिकाओं जो ये कोशिकाएं हैं जिस समूह में हैं वो कोशिकाएं आकार में समान होगी। और तीसरी बात, इनका कार्य जो है वो समान होगा। ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? समान होगी। तो ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो कोशिकाएं उद्भव, आकार और कार्य में समान होती हैं। ये जो ऊतक होगा ये किसी एक कार्य को करेगा, इसलिए इनका कार्य क्या होगा? समान होगा। अब अगर इस ऊतक शब्द की बात करें तो ये ऊतक शब्द जो है वो दिया था ग्रीव ने। किसने दिया था? ग्रीव ने। ऊतक शब्द जो है वो ग्रीव के द्वारा दिया गया था। अब ये जो पूरा का पूरा एक प्लांट बॉडी होती है, उस प्लांट बॉडी में जो ऊतक होते हैं वो ऊतक कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊतक कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन ऊतकों का जो वर्गीकरण जो है वो अब हम पढ़ेंगे। इतना अगर आपने नोट करना है तो वो कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो ऊतकों का वर्गीकरण है ये भी सेल्स के वर्गीकरण के ऊपर जो है आधारित होता है। अगर हम बात करें कि सेल्स जो है वो दो टाइप की होंगी, सेल्स जो है वो दो टाइप की होंगी। एक तो वे सेल जो एम्ब्रियो से बनेंगी और एक वे सेल जो उस एम्ब्रियो की जो सेल्स बनी हैं उससे आगे सेल बनेंगी। तो ये जो ऊतक होंगे ये दो टाइप के होंगे। पहले टाइप का जो ऊतक होगा वो होगा आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू।
मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू, दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू। तो ये दो टाइप के जो टिश्यू होंगे वो अलग अलग फंक्शन करेंगे, अलग अलग फंक्शन करेंगे। अब सबसे पहले हम ये जो आपने जो ये उत्तक पढ़े हैं इन उत्तकों के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम जो आपका परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में बात करेंगे, जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके टाइप के बारे में। दो टाइप के प्लांट टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो ये होता है कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये डिवीज़न कर सकते हैं, ये लगातार डिवाइड कर सकते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो स्थाई उत्तक होते हैं और ये स्थाई उत्तक कभी आगे डिवाइड नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ रेयर कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करने के लिए वापस से मेरिस्मेटिक टिश्यू में बदलना पड़ता है, ठीक है, वो जब आगे आएगा टॉपिक तब मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू की। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो जो प्लांट में इनकी पोजीशन होती है उस पोजीशन के हिसाब से तीन टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम इसका मतलब होता है शीर्षस्थ जो पोजीशन होती है, जो एपिकल पोजीशन होती है प्लांट का, जो रूट का जो एपिकल भाग और जो शूट का जो एपिकल भाग होता है उसमें जो टिश्यू होते हैं उनको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। जो प्लांट होगा उस प्लांट के ये वाले भाग में, ये जो भाग आप देख रहे हैं इस वाले भाग में जो टिश्यू होंगे उन टिश्यूज़ को बोलेंगे हम लेटरल मेरिस्टेम। कई बार आपने जो घास या जो शुगर के गन्ना जो होता है उसका प्लांट देखा होगा, उस प्लांट में क्या होता है कि नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड जिनको हम पोर बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक जंक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है, इस जंक्शन के आसपास वाली सेल्स जो होती हैं इन सेल्स में क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इनकी लंबाई जो है, ये जो प्लांट होते हैं इनकी लंबाई जो है वो ये जो पर्व होता है इस पर्व के बढ़ने से बढ़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन की, तो परमानेंट टिश्यू जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनका कोई विशेष काम जो है वो नहीं होता है, मतलब ये जो हैं कुछ विशेष टाइप के काम जो है वो नहीं करते हैं। जैसे विशेष टाइप का काम, जैसे प्लांट में जो मेन काम होता है वो होता है वाटर कंडक्शन और जो फूड और मिनरल्स हैं उनका कंडक्शन। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो ये दोनों काम जो हैं उनका होता है, एक तो जो पानी का संवहन और एक भोजन का संवहन जो है वो जाइलम और फ्लोएम करते हैं। पहले हम बात करेंगे सिंपल टिश्यू की। सिंपल मतलब साधारण, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब होता है मृदुत्तक, पैरेन्काइमा का मतलब होता है मृदुत्तक। मृदुत्तक जो है वो सेल्स जो हैं वो इस मेरिस्मेटिक सेल्स के जैसी ही होती हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करती या कम डिवाइड करती हैं। उसके बाद कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक। ये जो है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो तनन क्षमता होती है पौधे में, वो इन स्थूल कोणोत्तक के कारण आती है। ये क्या करता है, ये टिश्यू जो है जब तेज़ हवा का झोंका आता है, जो तेज़ जो है हवा आती है तब उस दौरान जो है पौधा टूटे नहीं, उसके लिए जिम्मेवार जो है ये स्थूल कोणोत्तक होता है या जिसको हम कोलेन्काइमा कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये हार्ड टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये हार्ड टाइप का टिश्यू जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो फाइबर्स जिनको रेशे बोलते हैं और एक स्क्लेरिड्स। उसके बाद हम अगर बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अगर कंबाइंडली हम बात करें तो प्लांट में इनको वस्कुलर बंडल के अंतर्गत जो है संवहन उत्तक जो है उनको वस्कुलर बंडल में
पढ़ा जाता है। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। इसको बोलते हैं, जाइलम को बोलते हैं दारू और इसको बोलते हैं पोशवा। इसको हिंदी में बोलते हैं दारू और इसको बोलते हैं पोशवा। जाइलम जल का संवहन करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम है वो इस जाइलम का होता है। जाइलम के चार एलिमेंट जो हैं वो इस काम में इनकी हेल्प करते हैं। इस ये चार एलिमेंट, एक तो ट्रेकिड्स हो गए, दूसरे वेसल्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा होगी और जाइलम फाइबर हो गया। अब जो ये जाइलम होता है ये जो है मृत टिश्यू होता है, डेड सेल्स जो है इनमें प्रेजेंट होती है। सिर्फ ये वाला भाग जो है ये भाग जीवित होता है, बाकी जो तीनों पार्ट होते हैं इसके वो डेड सेल्स से युक्त होते हैं। फ्लोएम जो है, उस फ्लोएम में अगर हम बात करें तो फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सारी जो ये सेल्स होती हैं या बाकी जो सारे इसके एलिमेंट होते हैं वो जीवित होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये जल का संवहन करता है और ये क्या करता है, ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? भोज्य पदार्थों का। अब जो मेन, जो दो मैंने आपको बताए कि इसमें जो मेन डिफरेंस होते हैं, एक तो कि ये विशेष काम करते हैं, दूसरा ये जो सारे टिश्यू होंगे जितने भी सिंपल टिश्यू होंगे उनमें स्क्लेरी, ये जो स्क्लेरेन्काइमा है इनको छोड़ के ये वाला पार्ट जो है ये जीवित होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम जो है उसमें जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो जीवित होता है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं इसके वो मृत होते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा जो पार्ट है फ्लोएम या जिसको पोशवा बोलते हैं, जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, उसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों पार्ट जो हैं ये जीवित होते हैं और ये फ्लोएम फाइबर्स जो है ये डेड सेल से बना होता है। दूसरी और मेन बात जो जाइलम और फ्लोएम में इम्पोर्टेंस रखती है वो क्या है कि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। जो दूसरी और मेन बात जो है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जाइलम जो है उसका फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है पदार्थों का, पदार्थों का क्या, जल का जो संवहन है वो इसका एक ही दिशा में होता है। जैसे ये जड़ से पत्तियों तक पानी जो है वो पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो में काम करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है दोनों दिशाओं में काम करेगा ये। दोनों दिशाएं कौन सी, ये क्या करेगा, जड़ से जो मिनरल्स होंगे उनको पत्तियों तक लेके जाएगा और पत्तियां जो है वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो पत्तियों में जो बना हुआ भोजन है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो भी फ्लोएम का होता है। फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से जो बना हुआ भोजन है उस भोजन को जड़, तना और बाकी के जितने भी प्लांट पार्ट होते हैं उन तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये था एक जनरल सा जो व्यू प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा। सबसे पहले हम मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो क्या होता है, कहाँ से ये शब्द आया। तो मेरिस्टेम जो है वो मेरिस्टेम शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड मेरिस्मोस से बना है और इस मेरिस्मोस का मतलब होता है डिवीजन। इसका मतलब होता है डिवीजन या हिंदी में हम बोलते हैं विभाजन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि वे उत्तक जो विभाजन कर सकते हैं। अब ये उत्तक जो है
विभाजन कर सकते हैं। इस विभाजन के लिए इनमें कुछ विशेषताएं जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पहले ये मेरिस्टेम जो है वो किस शब्द से बना है, मेरिस्मोस से बना है, और मेरिस्मोस का मतलब जो है वो डिवीजन होता है, ठीक है। अब जो ये मेरिस्टेम है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो वो सेल्स जो असीमित विभाजन की क्षमता रखती हैं उनको क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। वे सेल्स जो असीमित विभाजन की क्षमता रखती हैं, उन सेल से बना हुआ जो टिश्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम बोलेंगे। अब कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बीज से जब भ्रूण जो है वो विकास कर रहा होता है, जब प्लांट जो है वो प्ल्यूमूल और रेडिकल जब निकलते हैं उसमें से, उस टाइम क्या होता है कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जो किसी भी प्लांट पार्ट का निर्माण कर सकती हैं। तो ये मेरिस्टेम जो है इसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, जैसे टॉटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। इन शब्दों के भी अलग से अर्थ होते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा टॉटीपोटेंट, इस टॉटीपोटेंट का मतलब होता है, इस टॉटीपोटेंट शब्द का मतलब होता है कि वे सेल्स जो पौधे का कोई भी भाग बना सकती हैं, मतलब ये टॉटीपोटेंट जो है वो किसी भी प्लांट सेल का निर्माण कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद प्लूरीपोटेंट जो कोशिकाएं हैं वो सिर्फ कुछ टाइप की सेल्स का ही निर्माण कर सकती हैं, ठीक है। मतलब सबसे मेन जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं वो ये होती हैं टॉटीपोटेंट। क्या होती हैं, टॉटीपोटेंट। तो टॉटीपोटेंट सेल्स के बारे में आपने पढ़ लिया, मेरिस्टेम के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आगे कि ये मेरिस्टेम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए, आपने अगर कोई भी प्लांट देखा हो तो उस प्लांट में तीन मेन जो है वो भाग अपने पड़ते हैं। एक होता है रूट, एक होता है उसका स्टेम, और एक होती है उसकी लीव्स। तो ये वाला जो भाग होता है, ये मान लीजिए रूट है, रूट का टिप, स्टेम का टिप और लीफ का टिप, ये तीनों जो भाग होते हैं उनमें मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पादप में जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो भी इन्हीं तीन पार्ट की वजह से होती है। एक और मेन बात, जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें जो टिश्यू जो है, जिस टिश्यू का यूज़ किया जाता है, जो वायरस और बैक्टीरिया फ्री होता है, वो ये मेरिस्टेम टिश्यू जो है, एपिकल मेरिस्टेम जो है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेम, इसकी जो सेल्स होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन सेल्स की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो हम उन विशेषताओं की बात करेंगे एक एक करके। पहले हम मेरिस्टेम टिश्यू जो है उसकी विशेषताएं जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, ये सेल्स पतली भित्ति वाली होती हैं, मतलब इनकी सेल वॉल जो है वो थिन होती है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी मेरिस्टेम सेल्स होती हैं उनका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है। डेंस का मतलब सघन कोशिका द्रव्य। सघन कोशिका द्रव्य क्यों होता है इनका, क्योंकि ये सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, लगातार डिवीजन करती हैं। अब डिवीजन भी कैसा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, या जिसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। देखिए, दो टाइप के डिवीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस,
एक तो होता है मियोसिस, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और ये अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट की सेल्स हैं वो गैमेट बनाती हैं, और उन गैमेट में क्या होता है, गुणसूत्रों का जो नंबर होता है वो आधा होता है मदर सेल से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो हमेशा जर्म सेल्स में होता है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में कैसा होता है, मियोसिस जो है वो डिवीजन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, जनन कोशिकाएं जो हैं। और दूसरे प्रकार का डिवीजन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये होता है माइटोसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। पौधे में जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती हैं, कायिक कोशिकाएं बोलते हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होता है, और इस समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के समान होती है। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या जो है मात्र कोशिका से आधी होती है, यहाँ गुणसूत्रों का नंबर जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो मदर सेल के जितना ही होता है। तो ये लगातार डिवीजन करती हैं, इस वजह से क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम और जो फूड मटेरियल है जिसको हम रिजर्व फूड मटेरियल बोलते हैं, संचित भोज्य पदार्थ, उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। मात्रा ज़्यादा होने का कारण ये लगातार डिवीज़न कर रही हैं, तो लगातार डिवीज़न करने के लिए इनको आगे सेल बनानी है, और सेल बनाने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये लगातार इसमें सिंथेसाइज होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता जो है वो होगी कि इन सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो नॉर्मल सेल से बड़ा होता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो जो न्यूक्लियस है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, ये केंद्रक जो है वो साइज में बड़ा होता है, उसका साइज जो है वो लार्जर देन मैच्योर सेल। तो साइज जो है वो बड़ा होने का क्या कारण है, देखिए एक फिनोमिनन होता है कि सेल जब भी डिवाइड करती है तो उसका साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने का मतलब है कि केंद्रक उसका बड़ा होना चाहिए, तो उस जो केंद्रक बड़ा है उसको वो बैलेंस करने के लिए क्या करती है, सेल डिवाइड करती है, ठीक है, चाहे कैसा भी डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस जो है इनका बड़ा होता है। दूसरी बात, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो तो जो मैच्योर सेल है उसके जितना ही होता है, लेकिन डीएनए का जो कंटेंट है वो इसमें दुगना होगा। दुगना क्यों होगा, क्योंकि सेल जो है लगातार डिवाइड कर रही है, ठीक है। तीसरी और मेन बात जो है वो चौथा पॉइंट है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया होंगे इसमें और जो प्लास्टिड्स होंगे, और तीसरी जो ईआर होगी इनका नंबर जो है वो लेस होगा, मतलब कम नंबर में होंगे। कम नंबर में क्यों होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, प्लास्टिड्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और ईआर जो है वो प्रोटीन मॉडिफिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है उत्तरदायी होती है। तो ये सारे काम जो है इन सेल को नहीं करने होते हैं। हाँ, ईआर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन जो स्टीरोइड जो आपके जितने भी टाइप के स्टीरोइड सेल में बनते हैं वो नहीं बनते हैं इस कंडीशन में। हाँ, प्लास्टिड जो है वो प्रोप्लास्टिड के रूप में होता है। प्लास्टिड किस रूप में होता है, प्लास्टिड जो है वो प्रोप्लास्टिड के रूप में होता है, क्योंकि प्लास्टिड जो है उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो अभी काम में नहीं आने वाला। अगर हम इनके ऊपर दोबारा से नज़र डालें तो जो ये विशेषताएं थी उनमें पहली विशेषता की थी कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, इनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है, और इनकी जो इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और ईआर हैं वो लेस नंबर में होते हैं, प्लास्टिड जो है वो प्रोप्लास्टिड के रूप में प्रेजेंट होता है। ये प्रोप्लास्टिड था।
तो प्रोप्लास्टिड के रूप में प्रेजेंट होता है। ये प्रोप्लास्टिड जो है वो आगे चल के प्लास्टिड बनाता है जब मैच्योर होता है। उसके बाद अगर बात करें जो पांचवा पॉइंट है उसकी, तो ये जो सेल्स होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, मतलब इनके अंदर जो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो अंतराकोशिकीय अवकाश जो है, अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें एब्सेंट होता है या प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोशिकाएं जो है एक दूसरे के साथ चिपक कर व्यवस्थित होती हैं। ये जितनी बातें थी, ये बातें जो हैं सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये मेरिस्मेटिक सेल्स की विशेषताएं थी। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, ये इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या इनके बेसिस होते हैं जिनके ऊपर इनको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मेरिस्टेम। देखिए प्लांट मेरिस्टेम जो है उसको चार जो बेसिस हैं उनके ऊपर डिवाइड किया जाता है। पहला बेसिस है इसका पोजीशन, मतलब जो स्थान या जिस जगह पर ये पाए जाते हैं। दूसरा जो बेसिस है वो है ओरिजिन, उद्भव। उद्भव या ओरिजिन। तीसरा जो है वो इनका कार्य, और चौथा जो है वो विभाजन का तल, विभाजन का तल। ये चार मेन बेसिस हैं जिनके आधार पे हम इन मेरिस्टेम को डिवाइड करते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। पहले जो पोजीशन, पोजीशन जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट जो होता है उसमें तीन टाइप की पोजीशन जो है वो होती हैं। ये हमने पिछली स्लाइड में भी इसमें देखा था। एक तो हो गया एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेम। दूसरा है ओरिजिन या उद्भव। उद्भव के जो आधार पे जो कोशिकाएं हैं उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक तो प्रो मेरिस्टेम, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, दूसरा पार्ट है इसका, और ये तीसरा है। पहला है इसमें प्रो मेरिस्टेम, पहला है प्रो मेरिस्टेम। उसके बाद कार्य के आधार पे, तो कार्य के आधार पे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। ये जो कोशिकाएं आगे चलकर जिन प्लांट जिन पार्ट्स का निर्माण करती हैं उनके आधार पे ये जो है कार्य के आधार पे जो है मेरिस्टेम का टाइप है। और ये जो लास्ट टाइप है ये है प्लेन ऑफ डिवीजन या विभाजन का तल। इसके आधार पे मास मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, इस क्लासिफिकेशन में एक एक बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे कि सेल्स जो है वो कितने टाइप की, ये जो मेरिस्टेम है जो वो कितने टाइप का हो सकता है। जो पहला बेसिस हम लेंगे वो लेंगे हम ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ओरिजिन के बेसिस पे ये तीन टाइप का मेरिस्टेम जो है वो हम पढ़ेंगे। पहला है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, पहले हम बात करेंगे प्रो मेरिस्टेम की। प्रो मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का टिश्यू होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसमें इस टाइप की सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये एम्ब्रियोनिक टाइप का टिश्यू जो है वो होता है। अब जो ये
एम्ब्रियोनिक टाइप का टिश्यू होता है, इसको हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी बोल देते हैं, प्राइमोर्डियल या एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ये टिश्यू जो है, ये सारी सेल्स जो बनती हैं उन सेल्स को ये प्रोमेरिस्टेम जो है वो बनाता है। प्रोमेरिस्टेम से बनने वाला जो मेरिस्टेम होगा वो क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रोमेरिस्टेम होता है इसमें टॉटिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट सभी टाइप की सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल आगे चल के क्या बनाती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाती हैं। इस मेरिस्टेम में भी विभाजन की क्षमता होती है, इसमें भी विभाजन की क्षमता होती है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो मैच्योर सेल्स से दोबारा विभाजन योग्य सेल बनने से बनता है। ठीक है, तो ये जो प्रोमेरिस्टेम है ये आगे चल के क्या बनाएगा, ये आगे चलकर प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है, एक डिग्री, या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। ये क्या बनाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा। अब हम बात करेंगे इस प्राइमरी मेरिस्टेम की, तो प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बनता है, प्रोमेरिस्टेम से बनता है, किससे बनेगा, प्रोमेरिस्टेम से बनेगा। और ये प्रोमेरिस्टेम जो है वो प्लांट में, जो मैंने आपको बताया था टिप वाले जो भाग होते हैं, जो शीर्षस्थ जो भाग होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, शूट रूट इन दोनों के क्या होगा, टिप पर प्रेजेंट होगा। और ये जो प्रोमेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो प्रोमेरिस्टेम से बना है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम आगे चल के क्या बनाएगा, सेकेंडरी सेल्स बनाएगा, और ये सेकेंडरी सेल्स जो हैं वो मैच्योर सेल्स होंगी। क्या बनाएगा, ये मैच्योर सेल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम की। अच्छा, इनके एग्जांपल अगर आप देखो तो ये तो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रूट और शूट के टिप पे जो होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम अगर आप इसको एग्जांपल से समझोगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, या आपने सुना होगा जो 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 जाइलम और फ्लोएम के जो पूल होते हैं उनके बीच में जो कैम्बियम बनता है, जो पेरिसाइकल से बनता है, वो कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होगा। तो ये कोशिकाएं क्या हैं कि पहले मैच्योर होती हैं ये, और ये मैच्योर सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, दोबारा से विभाजन योग्य सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, विभाजन योग्य कोशिकाएं बनाती हैं। और ये विभाजन योग्य कोशिकाएं क्या करती हैं, आगे चल के जैसे आपने कॉर्क कैम्बियम, मैंने एग्जांपल दिया आपको, कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, पेरिड्रम का निर्माण करेगा। जो प्लांट होता है उसमें जो एक्स्ट्रा वास्कुलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इस कॉर्क कैम्बियम की वजह से होती है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये पार्ट यहीं तक पढ़ेंगे आज, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में कैरी ऑन करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे जो ये इनिशिएटिव है इसका फ़ायदा जो है वो आगे आपके दोस्तों को भी मिल सके। थैंक यू।